क्या पूरे देश में शराबबंदी मुमकिन है? क्या वाकई शराबबंदी से तमाम सामाजिक बुराइयों पर लगाम लग जाएगी? क्या वाकई हर सामाजिक समस्या का समाधान शराबबंदी ही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है जो असल में है सियासी मगर सामाजिकता की एक तरह से खोल में लिपटा हुआ है। इंडिया 24/7 अपनी सरोकारों की पत्रकारिता के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शराबबंदी पर सबसे बड़ी कवरेज करने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी शराबबंदी के फैसले को लेकर देश भर में इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सच है कि बिहार के लिए ये एक बड़ा फैसला है, मगर इसके साथ ही एक सच ये भी है कि ये वही बिहार है जहां एक वक्त में रेवड़ी की तरह शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटे गए थे और उनकी आड़ में नकली शराब के धंधे ने सैकड़ों लोगों की जान ली। अकेले साल 2013 में बिहार में जहरीली शराब पीकर मौतों का आंकड़ा 150 के पार चला गया था। बिहार के खजाने में एक बड़ा हिस्सा था शराब से मिलने वाले रेवेन्यू का, जो अब शराबबंदी के बाद नहीं मिलेगा। बिहार ने एक बड़ी शुरुआत की है, पूर्णतः शराबबंदी वाला शायद बिहार इकलौता राज्य बन गया है, वरना केरल और गुजरात जैसे राज्यों में टर्म और कंडीशंस के साथ शराबबंदी लागू है। सवाल उठता है कि हजारों करोड़ों के रेवेन्यू को एक झटके में खत्म करके नीतीश कुमार ने क्या जानबूझकर खजाने को चपत लगाई है, या फिर इसके लिए विकल्प भी तलाशा है। हालांकि खुद सीएम नीतीश कुमार मानते हैं कि रेवेन्यू का वैकल्पिक इंतजाम उन्होंने कर रखा है। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर शराबबंदी को पूरे देश में लागू करने में क्या दिक्कत है? क्या नीतीश कुमार जैसा इनिशिएटिव दूसरी सरकारें नहीं ले सकती हैं? आखिर क्या बाधा है इसमें? बात अगर सामाजिक पहलू की करें या फिर कानून व्यवस्था की, हर लिहाज से शराब का कारोबार सेहत का दुश्मन बना हुआ है। फिर सवाल ये कि जान पर भारी पड़ते जाम को बढ़ावा देने की क्या मजबूरी है? असल में सारा खेल कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। शराब का कारोबार सिर्फ रेवेन्यू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में ब्लैक को व्हाइट करने के साथ साथ पॉलिटिकल फंडिंग तक का एक लंबा चौड़ा गणित है, जिसे सुलझाने का मतलब है वाजिब और गैर वाजिब रेवेन्यू को खुद ही छोड़ देना, जो कोई करना नहीं चाहता। लिहाजा शराब के कारोबार को वाजिब बताने के लिए तमाम तरह की दलीलें दी जाती हैं। कोई इसे किसानों की आय से जोड़ देता है तो कोई सरकार की आय से, मगर असल में हकीकत कुछ और है। इंडिया 24/7 जिसने अपनी पहचान सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता की बनाई है, शराबबंदी के इन तमाम पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करने जा रहा है। 17 जून शुक्रवार को दिन भर आप हमारे चैनल पर शराबबंदी और सिस्टम की पोल खोलने वाले रिपोर्ट्स और बहस देखेंगे। शराबबंदी की सबसे बड़ी पड़ताल हम खुलासा करेंगे कि आखिर क्यों पूरे देश में शराबबंदी मुश्किल है और आखिर क्यों पॉलिटिकल जमात इसे लेकर टाल मटोल का रवैया अपना रही है। माफिया के हाथों में खेल रहे सत्ता तंत्र की जड़ तक हम चोट करेंगे। तो बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ। शराबबंदी पर सबसे बड़ी मुहिम देखने के लिए याद रखिए 17 जून की तारीख।